नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम अपर असम में तिनसुकिया से 10 किलोमीटर पहले डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में है। कल रात में हम जब यहां पहुंचे तो हमने अपने लिए एक होम स्टे लिया। सामने जो आप एक सिंगल रूम देख रहे हैं, हम वहां पर रुके थे। 2000 रुपीज टैरिफ इंक्लूसिव ब्रेकफास्ट और डिनर। नींद कंफर्टेबल आ गई, लेकिन क्योंकि हम लेट पहुंचे थे तो उतना अच्छे से सो नहीं पाए। इस समय सुबह के 10:30 बजे हैं। अब हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। ये अपर असम का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं। अब दिन भर हम घूमेंगे। शुरुआत करेंगे डिगबॉय ऑयल म्यूजियम जाकर, जो लगभग यहाँ से 1 से 1.25 घंटे के रास्ते पर है। उससे पहले चलकर इनके रूम में ब्रेकफास्ट करते हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बीटल नट ट्रीज हैं। राइट हैंड साइड में टी गार्डन्स, काफ़ी सारी शांति, डीप इंटीरियर्स, विलेज लाइफ। पहले चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलेंगे हम डिगबॉय ऑयल म्यूजियम के लिए। होमस्टे के ओनर, इनके ब्रदर, अब देखिए कितना हेल्पफुल नेचर है कि इनको हमने बताया कि लेट हो चुके हैं और आज हमको शाम तक 2-3 जगह जाना है, तो कह रहे हैं कि आपको मैं ये हेल्प कर देता हूँ कि मेरे ब्रदर को साथ भेज देता हूँ, जिससे कि आपको समय जितना लगाना है उतने में आप अच्छे से इस जोन को एक्सप्लोर कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है, आप देखिए नाश्ते में क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे नीचे तो है राइस, तो ये राइस है कोमल चावल। आप बड़ा चावल से निकलते हैं, कोमल चावल बोलते हैं। तो कोमल चावल हमने पहले भी खाया था। इस राइस में कुक करने की जरूरत नहीं होती, पानी में 15 मिनट या आधा घंटा आप सोक करिए, उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। ये खासियत है मैजिक राइस। साथ में गुड़ और ये दही बफलो का। हाँ, ये आपने अच्छा बता दिया, बहुत बेहतरीन। हम ऑलरेडी जो कोमल चावल खाया था उसमें हमने दूध डाला था, अब इसको खाएंगे। साथ में पिठा जिसके अंदर तिल है, तिल पिठा, वाह जबरदस्त। और बेल मेटल तो आप देख ही रहे हैं, मैं हर दिन मेंशन करता हूँ, असम के अंदर फूड बेल मेटल में सर्व किया जाता है, थाली भी कटोरी भी। तो दही गुड़ और चावल तीनों को मिक्स करके खाएंगे। मैंने दूध के साथ कोमल चावल और गुड़ का कॉम्बिनेशन खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये कॉम्बिनेशन मेरे को और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसका कारण ये है, गुड़ और कोमल चावल तो वैसे ही हैं, कारण ये है दही। दही गाढ़ा है, हल्का हल्का खट्टा है, हल्का हल्का मीठा भी है। वो स्ट्रेंथ होती है जो दही की, बफलो मिल्क की, वो इस टेस्ट के अंदर मेरे को बहुत खूब महसूस हो रही है। तो अब हम चलते हैं आपके साथ ऑयल म्यूजियम। आप भी एक एक लो। अंदर ये देखिए आप, तिल का असम के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और तिल के अंदर बहुत सारी हेल्थ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आप गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। हाँ, ये तिल पिठा बड़ा सॉल की आटा से बनते हैं, गुड़ के साथ तिल मिलवा के। अरे वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट है। और आइडली मुझे ऐसा लगता है कि पिठा और चाय एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो बाहर की लेयर ना ड्राई है, तो सिर्फ ये खाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, चाय साथ साथ गुड। एनीवेज मैं तो खा रहा हूँ अभी। हम डिगबॉय पहुंच चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप डिगबॉय मार्केट देख रहे हैं। यहां से ऑयल म्यूजियम लगभग 1 किलोमीटर दूर है। डिगबॉय ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत फेमस जगह है। देखिए, हम ऑयल म्यूजियम पहुंच चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए, यहां पर 1889 में तेल की खोज हुई, 1890 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। इस जगह जहां पर अभी हम खड़े हैं, इसका पुराना नाम था बर्मा ऑयल कंपनी। इस पूरे कंपाउंड के दो पार्ट्स हैं, एक बाहर का पार्ट और म्यूजियम के अंदर का पार्ट। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बाहर के तरफ हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो लेके आपको दिखा रहे हैं। बाहर के पार्ट में हम काफ़ी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑयल एंड वेल सेपरेटर, और उसके ठीक साथ में इंडिया का ओल्डेस्ट वेल, पैराफिन वैक्स कैसे बनाई जाती थी उसकी पुरानी मशीन,
साथ ही में हमने दो कढ़ाई भी देखी, ह्यूज साइज कढ़ाई, इसमें वैक्स को बॉयल किया जाता था। और भी काफी कुछ है बाहर के पार्ट में। जब हम म्यूजियम के अंदर गए, वहां पे हमने देखा और समझा क्रूड ऑयल की डिस्कवरी कैसे हुई। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे ट्रैक्स को बिछाया जा रहा था, जिसके लिए एलिफेंट की मदद ली जा रही थी। उस दौरान में इंजीनियर्स ने एलिफेंट के पांव में ऑयल लगा देखा, उनको शक हुआ कि यहां पर ऑयल हो सकता है, और वहीं पे डिगिंग करी गई और ऑयल मिला। अब आप सोचेंगे इसका फर्दर बात क्या है, डिग बॉय डिग बोलते थे, डिग बॉय डिग, तो वहीं से इस जगह का नाम डिग बॉय पड़ा। म्यूजियम के अंदर हमने देखा क्रूड ऑयल से अलग अलग प्रोडक्ट कैसे तैयार किए जाते हैं, लाइक पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मोटर स्पिरिट, एरोमैक्स और भी बहुत कुछ। फोटो गैलरी जिसमें पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, आज से 100 साल पुरानी, 125 साल पुरानी। पाइपलाइन सबसे पहली जो ले की गई थी ऑयल की, वो 1926 में की गई थी, जो कि 34 किलोमीटर लंबी थी। अंदर एक चार्ट लगा हुआ था, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स 354 BC टू 2001। पोएट फिरदौसी का शाहनामा के अंदर ये बात मेंशन थी कि अलेक्जेंडर ने अपने घोड़ों के ऊपर ऑयल के कंटेनर्स डालकर एलिफेंट्स को भगाया। उसके बाद की हर थोड़े थोड़े साल, 200 साल बाद क्या हुआ, 500 साल बाद क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री के समरी लिखी हुई है, वेरी नॉलेजेबल। और ये पूरा म्यूजियम अगर आप थॉरली देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर मोटर पार्ट्स पड़े हैं, वो पार्ट की क्या रीज़न है, वो पार्ट कैसे परफॉर्म करता है, सब कुछ है यहाँ पर। तो आप कम से कम 4 घंटे का टाइम लेकर आइए, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, लॉट ऑफ लर्निंग, लॉट ऑफ नॉलेज। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक म्यूजियम टाइमिंग्स हैं। मंडे म्यूजियम क्लोज रहता है, दोपहर में 1 से 2 लंच टाइम में भी म्यूजियम क्लोज रहता है, तो आप लंच टाइम अवॉइड करिए। तो आइडली आप मॉर्निंग में आइए, 3-4 घंटे स्पेंड करिए, एंड आई एम श्योर यू विल श्योरली हैव अ गुड टाइम हियर। मार्गरेटा टाउन से हम 7 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, सिंगफो इको लॉज। वाओ, बड़ी खूबसूरत एंट्री है, अमेजिंग। क्या देखो, मतलब आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ टी गार्डन्स, वाओ बहुत खूबसूरत। हट का डिजाइन और मटेरियल देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, एकदम सिंगफो स्टाइल। नीचे आप देखिए बैम्बू, शूज उतार लेने चाहिए, लिखा भी हुआ है टेक ऑफ योर शूज। लॉज के ओनर है मेरे साथ सर, बड़ी डैशिंग एंट्री है, मतलब आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, काफी अच्छा लग रहा है। तो इनसे अभी हमारी बात हुई, हमने लंच का ऑलरेडी बोल दिया है, तो अभी लंच कुक होने में लगभग 1/2 आवर लगेगा, तब तक हम रूम देखने आ गए। चलिए मैं रूम आपको खोल के दिखाता हूँ। हाँ जी, टोटल कितने रूम्स हैं आपके पास? मेरे 8 रूम्स है। ग्रेट। ये हमारे सिंगफो वे ऑफ लिविंग, ये हम लोग सिंगफो का सोने का रूम है, हमारे ये विंडो है। बहुत खूबसूरत, मतलब एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ आके रुके तो बहुत मजा आ जाएगा। यहाँ पर ये टॉवल को हैंग करने का भी तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर यहाँ टैरिफ कितना है पर डे? 2500 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री। डबल ऑक्यूपेंसी? डबल ऑक्यूपेंसी। और सिंगल में? 1600 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ग्रेट। इनसे मेरी चर्चा हो रही है, टोटल इनके पास 8 रूम्स है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि 5 ही दें, क्योंकि उससे ज्यादा अगर लोग आते हैं तो टॉयलेट शेयर करना पड़ता है, क्योंकि 5 टॉयलेट्स हैं यहाँ पर, बाथरूम / टॉयलेट। तो ये चीज आप गेस्ट को पहले फोन पे बता देते हैं, पहले हम लोग क्लियर करते थे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, इंपॉर्टेंट थिंग है। टॉयलेट वैसे रूम का पार्ट नहीं है, बाहर की तरफ है। सर इसको क्या बोलते हैं? ये पाम लीफ है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई 100-200 साल पुराने घर में आ गए हो, और इस तरह से बैम्बू के ऊपर चलते चलते इनके साथ पूरी लॉज को विजिट कर रहे हैं। आप इस जगह बैठकर खाना खाने का चाम देखिए, नीचे बैठे हुए हैं एकदम सिंगफो स्टाइल, बेल मेटल, इसके अंदर राइस है मुझे बताया गया। अब यहां से मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। अपर असम आने के बाद ना मैंने थोड़ा थोड़ा कोपात लीफ को पहचानना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, इस लीफ में ही खाना खाया जाता है, और मैंने नोटिस किया पिछले कुछ दिनों में
कि जब आप इसके अंदर फूड स्पेशली राइस डाल के खाते हो तो राइस के टेस्ट में फर्क आ जाता है, मतलब लीफ का फ्लेवर आता है। मैं सोच रहा हूँ फॉर अ चेंज पहले थोड़ा थोड़ा सब चीज टेस्ट कर लिया जाए राइस में मिक्स करने से पहले। चिकन सैलड तो जगह जगह मिलता है, लेकिन इसमें खास बात यह है ऑयल जीरो, ग्रिल्ड किया गया और बाकी प्याज टमाटर बहुत कम गार्लिक के साथ और बहुत कम नींबू के साथ। तीता करेला, काफी सिंपल बनाया और टेस्टी भी है। करेला मेरी पर्सनल पसंद में नहीं आता, उसके बावजूद मेरे को अच्छा लगा, वेरी नाइस। थोड़ा थोड़ा मूंगफली दाना भी डाला हुआ है जो टेस्ट को मजेदार बना रहा है। अच्छा, यहां पर ना इसको बोलते हैं टी सैलेड। मैंने पहली बार जैसे आपको बताया कि नाम सुना है टी सैलेड, इसका मतलब ये टी लीफ से तैयार किया गया। बड़ा अमेजिंग टेस्ट है। चाय पत्ती को उबालने के बाद जो टी लीफ बच जाती है उसको टोमेटो, अनियन, माइल्ड नमक जैसा मसाला और हल्की सी मिर्च डाल के ये सैलेड को तैयार किया गया, जबरदस्त। प्लांटेन फ्लावर को इस्तेमाल करते हुए ये जो आप सामने देख रहे हैं ना करी, इसमें काफी सारी हर्ब्स भी हैं। देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसको बॉईल किया गया और काफी सिंपल टेस्ट होगा। इस तरह की प्रिपरेशन बनने से ये फायदा है कि अगर आप प्लांटेन फ्लावर के टेस्ट को महसूस करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो। मसाला डालने से वो एसेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाती है। कितना हेल्दी फूड खा रहे हैं आज हम, सोचा मतलब मजा आ गया सोच सोच के कि ऑयल या तो ना के बराबर या जीरो। इसको बनाने में आलू का भी इस्तेमाल किया गया, ब्यूटीफुल। मेरे को ना ये पैटर्न अच्छा लग रहा है कि जब आपके पास ज्यादा चीजें हो थोड़ी थोड़ी डाल लो, टेस्ट कर लो, उसके बाद खाना शुरू करो। अगेन सिंप्लिसिटी एट इट्स पीक। पपीते का टेस्ट तो बड़ा खूबसूरत आ रहा है। खार को मैं पहचान नहीं सकता, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है। मैंने 3 या 4 बार हालांकि खाया है, हल्का हल्का सॉल्टी फीलिंग आती है, लेकिन खार कौन सा है, कैसा है, घर का है, बाहर का है, उतने मेरे पास स्किल नहीं है। हम जब भी माजुली में थे तो वहां हमने समझा था खार को कैसे तैयार किया जाता है। उसमें ना 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, तो आप माजुली वाला वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा खार को कैसे तैयार किया जाता है। बाकी आलू पितिका अब तो मैं जान चुका हूं, देख के मैं पहचान लेता हूं। सिर्फ मैं सोच रहा हूं कि इन्होंने आलू पितिका में सरसों का तेल डाला होगा या नहीं डाला होगा, क्योंकि आज से पहले आलू पितिका में हर टाइम मैंने हल्का सा सरसों का फ्लेवर लिया है। मुझे बताया गया ये जो आपको स्टिकीनेस की फीलिंग आती है ना हाथ लगाते ही राइस में, ये स्टिकी राइस है और इस राइस वैरायटी का नाम है मियातोंग राइस। इसमें बनाना फ्लावर से बनी हुई करी डालेंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने अभी खाते खाते नोटिस कर ली, स्टिकी राइस ग्रेट कॉम्बिनेशन विद दिस काइंड ऑफ फूड। तेजपुर में भी मैं इस तरह का फूड एक्सपीरियंस कर चुका हूं। अगर आपने तेजपुर एपिसोड मिस कर दिया तो आप जरूर देखिएगा। वहां पर भी फूड मोर ऑर लेस सेम था, लेकिन डिश अलग थी। और ऑब्वियसली तेजपुर इज नॉट नोन फॉर दिस काइंड ऑफ फूड, लेकिन जिस जगह अभी हम हैं ये जगह जानी जाती है फॉर सिंगफो फूड। सर 10 मिनट के लिए फ्री हो गए हमारे को फर्दर गाइड करने के लिए अबाउट दिस काइंड ऑफ फूड। सर ये बताइए, स्टिकी राइस इस तरह के फूड के साथ ग्रेट कॉम्बिनेशन, अगर हम नॉर्मल जो राइस होता है बाजार में उसको कुक करेंगे ऐसा खाएंगे तो कैसा टेस्ट आएगा? तो वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टिकी राइस का से ये आइटम आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर आपको ऑयल फ्री फूड खाना है तो बेटर कॉम्बिनेशन स्टिकी राइस के साथ। जबरदस्त। असम के अंदर आलू पितिका रहता ही रहता है फूड के साथ में। जैसे मैंने यहां पर नोटिस किया दाल रहती है ना,
उतना ही आलू पितिका आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये हम लोग का जो पोटेटो है उसको हम रोस्ट करके ही बनाते हैं, मेस करके बनाते हैं। अच्छा, आप बॉइल नहीं करते? बॉइल नहीं करते। पॉइंट टू बी नोटेड। जो भी देखो, बॉइल ना करने से, रोस्ट करने से टेस्ट में फर्क आ गया और मजेदार हो गया। नो कंपैरिजन, लेकिन मजेदार हो गया। और सर, इसमें आपने ऑयल नहीं डाला सरसों का तेल? ना, हम लोग नहीं डालते। हम ऐसे टाइम आए जब टी प्लकिंग नहीं हो रही। आई विश कि हम पूरा प्रोसेस आपको दिखा सकते, लेकिन क्योंकि ये खुद सिंगफो ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ये प्रोसेस को समझते हैं और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर फूड फिनिश कर लेने के बाद चाय पियेंगे। इस समय थोड़ा यहाँ पर डिम हो रहा है। सर, चाय हम बाहर पियेंगे? ग्रेट, बाहर चाय पियेंगे और आपको वो चाय कैसे वो बनाते हैं उसमें भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब क्योंकि मैं सब कुछ इंडिविजुअली खा चुका हूँ, तो अब धीरे धीरे हम इसको फिनिश करते हैं, इंजॉय करते करते। मार्गरेटा में आके मैंने सिंगफो चाय पीने के लिए न जाने कब से एक्साइटेड था, और फाइनली वो चाय का कप हमारे हाथ में है। बहुत अलग टेस्ट है। एक तो स्ट्रेंथ है चाय के अंदर। इसको एक मुझे लग रहा है समहाउ ग्रीन टी कहना सही नहीं होगा, लेकिन इसमें स्मोकी सा फ्लेवर टेस्ट आता है। हाँ जी, ये ग्रीन टी और ये कप बनाने का प्रोसेस अलग है, और ये फलाप जो सिंगफो टी का बनाने का प्रोसेस अलग है, इसीलिए कोई डिफरेंस ही है। ओह, आई सीरियसली विश कि मेरे को टाइम मिलता और हम प्लकिंग के समय आते और पूरे प्रोसेस को यहाँ समझते। सर, जिस जगह अभी हम हैं मार्गरेटा में, कितनी पॉपुलेशन होगी सिंगफो ट्राइब की? 7 to 8,000 इस मार्गरेटा सब डिविजन में। अच्छा, और अदरवाइज? अदरवाइज 25,000 असम और अरुणाचल। ओह सर, इसके बारे में बताइए जो चाय आपने हमें दिखाने के लिए रखी है। ये सिंगफो में फलाप कहते हैं, सिंगफो टी, ये लूज लीफ टी है, ये बेम्बो टी है, हम लोग कहते हैं फलाप। अब बेम्बो टी का अंदर का चाय ऐसे देखते हैं, तो आपको 2 gram to 1 cup रेशियो से आप इसको 3 times आप ब्रू कर सकते हैं। बाय गॉड, जबरदस्त। सोचो आप इसके अंदर चाय है और इसमें से आप 2-2 gram निकालते जाओ और 3 बार उसको रीयूज करो। निकाल के देखेंगे सर? तो सर, इसके अंदर जो चाय है वही आपने सामने निकाल के दिखाया। वाओ, तो इसकी लाइफ कितनी है? जैसे अगर मैं हम ले जाएं एक इसका पैकेट, तो अगर आप ड्राई प्लेस पे रखेंगे तो इसका नो एक्सपायरी है। वाओ, सुपर। ये 5 years old टी है ये। हम लोग जो चाय पी रहे हैं 5 साल पुराना है ये हम 2014 कंप्रेस किया था। जो मैंने इनसे समझा डिटेल में, उसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की रेशो ज्यादा है अदर टी के मुकाबले में। सही। ऑल सेट, ग्रेट टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट। यही कहूँगा, अगर आप आते हैं अपर असम में तो आपको आना चाहिए, फूड भी इंजॉय करिए और इस तरह का चाय पी भी लीजिए और एक पैकेट खरीद भी लीजिए। आपको वैसे असम में जगह जगह इस तरह का चाय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आके पीना थोड़ी सी अलग बात है। ये एजेक्ट टी है। हाँ, ये भी एक बात है। ग्रेट। चाय पीने के बाद जब हमने गार्डन में ये चमकती हुई लाइट देखी, तो हमें रियलाइज हुआ ना जाने कितने सारे जुगनू हैं यहाँ पर। मजा आ गया, कितने सालों के बाद मैं इतने सारे जुगनू एक ही जगह देख रहा हूँ। टू गुड एक्सपीरियंस। 1 घंटा हमने स्पेंड किया, कोशिश करी वीडियो बना सके। हम निकल रहे हैं अपने होमस्टे जाने के लिए। 1 घंटे का यह सफर है, चलकर वहां पर डिनर करते हैं और आज की जर्नी एंड करेंगे। हम अपने होमस्टे पहुंच गए, डिनर रेडी है। होमस्टे के ओनर, इनके भाई साहब, दोनों से मेरी सुबह मुलाकात हुई थी, तो साथ ही थे, पूरा दिन भर हमारे साथ घूम रहे थे। अब देखिए फूड में क्या क्या बना है। मेजेंगा लीफ को आलू के साथ बनाया गया। ये लीफ का इस्तेमाल नॉनवेज प्रिपरेशन में भी किया जाता है। लोफा लीफ की आलू के साथ सब्जी बनाई गई है। मैंने आपको दिखाने के लिए मेजेंगा और लोफा दोनों साथ में कुर्सी में रखा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी पहली बार देख रहा हूं और आपको भी कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। साथ में देखिए आप, मेजेंगा लीफ को फ्राई किया गया है सरसों के तेल में और ये क्रिस्प हो गया, ऐसा हल्के से इजीली ब्रेक हो जाता है। मुझे इन्होंने बताया इसमें नमक के सिवा हमने कुछ भी नहीं डाला, पहले नमक लगा दिया, बाद में उसको फ्राई कर दिया। पर्पल यम, जिसको यहां पर काठालू बोलते हैं, ये आप देखिए, माटी दाल काठालू के साथ,
ये इन्होंने लोफा साग ला के रखा हुआ है, ये मैंने मॉर्निंग में इनसे कहा था कि आप दिखा दीजिएगा, उसके बाद ही हमको अच्छे से समझ में आ पाएगा। आपको काठ आलू भी दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी शेप काठ जैसी होती है इसलिए इसको काठ आलू बोलते हैं। माई गेस पर्पल याम इन इंग्लिश। 5 मिनट पहले ना ये मेजेंगा लीफ उठा रहा था, मेरे को कांटा चुभ गया था। ये है, इसको भी आप देख लीजिए और कितने सारे कांटे हैं। बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसमें से ये लीफ को उतारा जाता है। अब इसको डाल लिया जाए और इनका कहना ये है कि आप डिनर कर लीजिए, हम उसके बाद करेंगे। ये हमारा घर का राइस है, ये लाही राइस है। अच्छा, लाही साउल का। वाह, तो मिलिंग वगैरह खुद ही कर लेते हो? जी, ये मशीन में नहीं। हाँ। ढेकी से। वाह, खुटक क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। लोफा साग आलू के साथ। अच्छा, इसमें जो आपने काठ आलू डाला है जी, इसको आपने फ्राई नहीं किया? नहीं फ्राई नहीं, इसको बॉईल किया। बॉईल किया। अच्छा, उसके बाद फ्राई। अब साग के अंदर एक्चुअली इतनी वैरायटीज है इंडिया के अंदर कि जहां जहां जाओ आपको नई वैरायटीज एक्सपीरियंस करने को मिलती है। जैसे ये लोफा साग तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। आपने अच्छा किया, बनाया सरसों के तेल में लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखी है जी। कि तेल उतना ही डाला है जितना जरूरत है। गुड, आप लोग सबसे बढ़िया काम ये करते हो, आप लोग मतलब असम के अंदर, कि मसाले पे आप लोग कोई फोकस नहीं रखते। ऐसा लग रहा है कि स्नैक के तौर पे सही है, थोड़ा सा अगर टेस्ट को और मजेदार बनाना हो, मतलब शाम को इवनिंग स्नैक, तो हल्का सा टोमेटो केचप लगा लो, बना सकते हैं। मतलब हरी चटनी लगा लो थोड़ी सी, अच्छा लगेगा। और टोमेटो केचप के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन। और अच्छा काम आपने ये किया जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आपने इसमें नमक के सिवा कुछ नहीं डाला, और नमक भी सिर्फ उतना लगाया कि टेस्ट के लिए जी। ये देखिए आप मेजेंगा लीफ फ्राई होने के बाद कैसी दिखती है। अभी देखा मैंने इसको, ब्रेक हो जाती है। देखिए कितने जबरदस्त एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आसाम आने के बाद। मेजेंगा, मेजेंगा, वाह। बड़ा अगर मिनिमम लेवल पे बोले कि फर्स्ट फील क्या आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लॉन्ग को लेके मुंह में रख लें और 10 सेकंड बाद सोचें कि कैसा महसूस हो रहा है, तो ये समझ लीजिए उसका छोटा भाई है टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। कुछ कुछ वैसी फीलिंग आ रही है इस लीफ को खा के। तो ये पूरे असम में पॉपुलर है? पूरा इतना पॉपुलर नहीं असम में, लेकिन डिब्रूगढ़ तिनसुकिया में पूरा पॉपुलर है, हमारा ट्राइब खाते हैं ये। अच्छा, वाओ। ये मसुंदरी के बारे में बताओ, ये क्या चीज है? ये तो पत्ती, ये है लीफ है। ओ ग्रेट। ये एकदम जमीन पर, एकदम ज्यादा ऊंचा नहीं होते है, जमीन पर एकदम सामने में होते है। अच्छा, ये बहुत टेस्टी है मसुंदरी हमारा असम में, असम में ये। तो इसको मैं सब्जी समझ के खाऊं या चटनी समझ के? चटनी समझ के। ये आँख में कल बनाना की पत्ती में बांधकर, हाँ जी, आँख के अंदर घुस देते हैं। अच्छा जी, उसका बनाना लीफ में डालकर आप इसको आग में डालते हो जी? ये सर, ये चीज लिवर के लिए बहुत बढ़िया चीज है, पेट के लिए, लिवर के लिए बहुत एक नंबर, जो गांव वाला का मेडिसिन। अच्छा जी, यही जी। अब क्या पुराने जमाने में तो ये दवाइयां यही हुआ करती थी? यही हुआ करती। अगर हम एक्चुअली में समझे, और आज भी अगर डीप इंटीरियर में चले जाएं तो वो डॉक्टर पे कहाँ जाते हैं जब तक एकदम ज्यादा ना हो जाए, कुछ दिनों में वो देसी इलाज करके रिकवर कर जाता है पेशेंट। हमारा गांव में भी अभी 70% लोग खाली गांव का दवाई खाते हैं अभी भी। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। अल्टीमेटली वो तो हमें सबको पता है कि दवाई नहीं खाने में ही बेहतर है। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं केवल ये लीफ का कैसा स्वाद आता अगर हम इसको बिना सरसों के तेल के खाते, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज वो सरसों के तेल ने पावर कर दिया है। लेकिन ये बोलना पड़ेगा टेस्ट तो मजेदार है, बढ़िया, काफी डिफरेंट है। और आप बता रहे हो जैसे कि हेल्थ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है इसकी। जी जी, बहुत ज्यादा है, मतलब लीवर के लिए बहुत शानदार है। बहुत शानदार, वेरी गुड। अच्छा, ये मसुंदरी का स्वाद मैं तो नहीं समझ पा रहा, मैंने आपको रीजन बताया।
बट एक्चुअली लीफ का कैसा स्वाद होता है अगर इसमें सरसों ना इस्तेमाल की जाए, मतलब एक प्योर लीफ खा रहे हो आप गर्म करके? कसू का लीव खाते हैं ना आप, कसू कसू जैसा लगता है, ये भी थोड़ा ऐसा ही लगता है। हमारी आज की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि आज की जर्नी में फूड ही था, क्योंकि उसका रीजन है हमने शुरुआत दिन की लेट की थी। अब फूड फिनिश करते हैं आधा पौना घंटा लगा के, क्योंकि मैं धीरे धीरे स्वाद ले लेके खाना खाता हूँ, और कल मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, इस एनवायरमेंट को और नज़दीक से महसूस करेंगे, फिर हम डिब्रूगढ़ निकल जाएंगे पूरा दिन डिब्रूगढ़ में, और कल शाम को हमारी असम टूर समाप्त हो जाएगा। टोटल जर्नी हम 18 डेज में कर रहे हैं जो आपने अभी तक देखे। बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा, आपको फूड ज़्यादा दिखा होगा क्योंकि दिन लेट स्टार्ट हुआ, और हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। अपने एक्सपीरियंसेस असम से जुड़े हुए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दैट्स इट, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम।